बंद है, मोबाइल टॉयलेट का प्रबंध है, हर प्रकार का प्रबंध किया हुआ है, लेकिन यहाँ किसान बहुत ज्यादा परेशान है जो शांति पूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या बात हुई है, किस बात के लिए ये परेशान है, रोड क्यों जाम किया हुआ है। पहले तो अपना परिचय दो वीर जी। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब और हरियाणा का इधर मोर्चा चल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल शांतमयी मोर्चा चल रहा है, सभी कुछ चल रहा है। आज 6 बजे के लगभग लाइट है नहीं सुबह से। बिल्कुल पहले थे, मतलब कोई बहाना बुना ला देंगे, आलमटोल कर रहे सी, तूफान आ गया फलाना, तो 6 बजे से कोई लाइट नहीं आ रही। तूफान आए भी तो 4-5 दिन हो गए आगे, आज तो कोई तूफान नहीं आया, कोई तूफान नहीं, लाइट आ गई। इधर भी लाइट चल रही है, उधर भी लाइट चल रही है, हमारे पास वाले तंबू के पास भी लाइट चल रही है, पर हमारे नहीं चल रही। ये तो किसानों को फिर पारने वाली कोशिश कर रही है सरकार, मोदी सरकार। ये आपने जाम कब से लगाया हुआ है जो ये हाईवे रोड बंद कर? 45 मिनट और आधा घंटा, और 45 मिनट पौने घंटे के करीब हो गया। तो प्रशासन का किसी बंदे ने किसी व्यक्ति के पास, किसी का कोई पुलिस का कोई प्रशासन नहीं आया, कोई बिजली महकमे का कोई प्रशासन नहीं आया। जब से ये रोड बंद हुई है कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई सरकार वाला नहीं आया, कोई बिजली महकमे वाला नहीं आया। तो मेरे जो माध्यम से देख रहे हैं इसे, एक तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते, हर जनता तक बात पहुंचे कि जो दिल्ली हाईवे रोड है रोहतक चौक के पास से बिल्कुल बंद कर दिया गया है ब्लॉक।